जैसा मैंने बोला था कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, तो लीजिए फिर से मुलाकात हो गई बहुत जल्दी। ये वीडियो मैं बता दे रहा हूँ किस चीज के ऊपर है। आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ कि अपने बाइक को मेंटेन कैसे करते हैं, चाहे वो कोई भी बाइक हो। मेरी बाइक है बजाज KNS 200 और उसको मेंटेन करने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे, मैं टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहता हूँ। भले ही यूजर मैनुअल पे 5000 किलोमीटर पर सर्विसिंग कराने बोला गया है, लेकिन मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग हर 2000 किलोमीटर पे करा लेता हूँ। इससे क्या है कि मेरी बाइक अच्छे से मेंटेन भी रहती है, और अगर मैं अपने बाइक में थोड़ा सा भी कुछ भी साउंड सुनता हूँ, कुछ भी आवाज़ आ रहा होता है चेन का हो या किसी चीज़ का, मैं तुरंत जाकर के दिखाता हूँ सर्विस सेंटर में और तुरंत उसे ठीक कराता हूँ। तो ये सब कुछ टिप्स है जिससे आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है कि अगर बाइक थोड़ा सा खराब रहता है या कुछ भी रहता है तो हम लोग उसे इग्नोर करते हैं और लेट करते हैं उसे सर्विसिंग कराने में। इससे क्या होता है, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर कुछ देर बाद में कराएंगे, कुछ देर बाद में कराएंगे, एक ही साथ इसकी पूरी सर्विसिंग करा देंगे और खर्चा भी बचेगा। लेकिन एक्चुअली मैं बैच बता दूँ, इससे खर्चा नहीं बचता है और भी खर्चा बढ़ जाता है। वो चीज़ थोड़ा भी ख़राब हुआ रहता है और धीरे धीरे लेट करते करते और ज़्यादा खराब हो जाता है, और वह सर्विस सेंटर जाने पर बहुत लंबा अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है। तो ऐसा ना करें, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसे दिखा दें, इससे आपका खर्चा भी मेंटेन रहेगा और बाइक भी मेंटेन रहेगी। तो चलिए अभी मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जो मैं अपने बाइक के लिए यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा है वो मेरे बाइक के लिए और आप सबके बाइक के लिए भी वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है। और वो जो कंपनी है जिस कंपनी की मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, वो कंपनी का नाम है मोतुल। तो चलिए कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या यूज़ करता हूँ। फिलहाल तो प्रोडक्ट्स है नहीं मेरे पास, तो चलिए उसे फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यही है हमारा मोतुल का एक प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है हमारा जो मैं यूज़ करता हूँ अपने बाइक के लिए, जिसे बोलते हैं मोतुल का इंजन ऑयल, जो कि मेरे बाइक के लिए परफेक्ट है और ये 100% सिंथेटिक है। और इस इंजन ऑयल का नाम है 7100401050। तो चलिए इसे मंगा लेते हैं, मतलब कि इसे स्क्रीन से बाहर निकालते हैं। मैं स्क्रीन से इसे बाहर निकालने वाला हूँ, देखिए। तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही हमारा मोतुल का इंजन ऑयल जो कि मैं अपने बाइक के लिए यूज करता हूँ। ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बोला था। तो चलिए दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है मोतुल का, वो रहा हमारे स्क्रीन पर। ये बेसिकली कूलेंट है, मोतुल कंपनी की कूलेंट है ये, जो कि मेरे बाइक में मैं यूज करता हूँ। आप लोग भी इसे यूज करिए, काफी अच्छा है। तो चलिए इसे भी मंगा लेते हैं, मतलब इसे स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारे हाथ में मोतुल का दूसरा प्रोडक्ट। तो चलिए अब तीसरे प्रोडक्ट की बारी है। तो जो हमारा मोतुल का तीसरा प्रोडक्ट है, वो भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये है हमारा तीसरा प्रोडक्ट मोतुल का। ये बेसिकली इसको हम लोग चेन ल्यूब बोलते हैं, C1 चेन ल्यूब मोतुल का। तो इसे हम लोग चेन में स्प्रे करते हैं ताकि हमारा चेन मेंटेन रहे, और काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये, जो मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ जब से मैं अपना बाइक खरीदा हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा, मोतुल का जो सारा प्रोडक्ट है वो आ गया है, हमारे टेबल पे रखा हुआ है। तो अब बारी है इसे जा करके अपने बाइक में डलवाने की। तो चलिए चलते हैं अपने फेवरेट मैकेनिक के पास, जिसका नाम है आजाद। वो बक्सर में हमारा ज्योति चौक के आगे जो रोड बाईपास में जाता है, बस थोड़ा सा आगे बढ़िए तो उसके लेफ्ट साइड में ही वो उनका सर्विस सेंटर है। चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये है सामने हमारे आजाद भैया, कर दीजिए इसका काम, इसका काम कर दीजिए, और उसका पूरा सर्विसिंग करना है, इस गाड़ी का पूरा सर्विसिंग करना है। कब तक देंगे? अभी हम लोग आजाद भैया जो मैकेनिक है हमारे, उनके वर्कशॉप पर पहुंच गए हैं, जो कि है एकदम मेरे पीछे, और वो नीचे बैठे हैं आजाद भैया। वो काम कर रहे हैं एक स्कूटी का। ये भी स्कूटी मेरे ही घर तरफ की है, मेरे एक दोस्त की है राजकुमार की, तो बड़े बुरे स्थिति में है वो स्कूटी। तो अभी उसका काम कर रहे हैं, तो उसका काम थोड़ा पॉज करके अभी मेरी गाड़ी में ये काम करेंगे। और आज मैं इनके यहाँ अपनी दोनों जो बाइक है, मेरी ग्लैमर बाइक और NS 200 दोनों की सर्विसिंग कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं होता कैसे है सर्विसिंग, और मेरे NS की कूलेंट भी चेंज होगी। तो चलिए इसे देखते हैं हम। जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरी बाइक लग चुकी है सर्विसिंग के लिए, और ये जो हम मेरे पीछे काम कर रहे हैं, यही हमारे आजाद भैया, यहीं का वर्कशॉप है ये। तो आजाद भैया, आप जरा एड्रेस बता देंगे अपने वर्कशॉप का? आजाद हीरो बाइक सर्विस, ज्योति चौक नियर बाईपास रोड। तो यही था इनका एड्रेस, आप ज्योति चौक उधर है उस साइड में, आप वहाँ ज्योति चौक से आके बाईपास रोड में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में इनका वर्कशॉप देखने को मिल जाएगा।
और मैं इनको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनसे दो तीन बार सर्विसिंग कराया अपनी बाइक की और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है मेरी बाइक और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इवन एजेंसी से भी बेहतर ये सर्विसिंग कर रहे हैं किसी भी बाइक की, वो स्कूटी हो या बाइक हो, कोई भी बाइक हो। इसलिए मेरा एक वो स्कूटी आप लोग वहाँ देख रहे होंगे, वो मेरे फ्रेंड की स्कूटी है और ये मेरी ग्लैमर बाइक है और एनएस तो मैं हमेशा यहाँ सर्विसिंग कराता हूँ, तो मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल है यहीं आकर के सर्विसिंग कराता है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप इनके वर्कशॉप पर आएँ और एक बार सर्विसिंग करा करके देखें, आप लोग सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरा मोतुल का जो मोजन ऑयल वो मैंने इसमें डाल चुका है, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाया उस चीज़ का, लेकिन मैंने उसे इसमें डाल चुका है। तो बस अब कूलेंट की बारी है, कूलेंट में डालूंगा और चेन ल्यूब कैसे स्प्रे करते हैं ये मैं घर जा कर के आप लोगों को दिखा दूंगा। My up and I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kind of suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Are you under attack? But yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. ये आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारा कूलेंट बॉक्स जिसके अंदर हम लोग अपना कूलेंट डालते हैं। तो अभी इसे हम लोग साफ़ करेंगे क्योंकि कूलेंट काफ़ी दिन से चेंज नहीं हुआ है। इसका कूलेंट बॉक्स और ये जो कूलेंट बाहर आ रहा है हमारा, ये रेडिएटर के अंदर से आ रहा है, देख सकते हैं वहाँ से उसको ओपन किया गया, यहाँ से ये कूलेंट बाहर निकल रहा है। रेडिएटर हमारा वहाँ होता है। तो देख रहे हैं अभी होने वाला है जो हमारा कूलेंट का बॉक्स है बाइक का, उसका सफाई होने वाला है, उसका क्लीनिंग होने वाला है अच्छे तरीके से, वो भी डिस्टिल्ड वाटर से। और वहीं कूलेंट का बॉक्स साफ़ करने के लिए है। तो अभी ये प्रोसेस है, रेडिएटर को क्लीन किया जा रहा है डिस्टिल वाटर से। तो अभी जो डिस्टिल वाटर इसमें गया था वो वाइट कलर का था और अभी जो बाहर आएगा देखिए, ये भी ये जो पानी है डिस्टिल वाटर, ये हल्का बहुत भी ये भी कूलेंट की तरह ग्रीन कलर का आ रहा है बाहर। तीसरी बार डाला जा रहा है डिस्टिल वाटर रेडिएटर में। तो देखते हैं पानी किस पर किस कलर का आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तीसरी बार क्लीन करने पे पानी पूरी तरीके से वाइट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा रेडिएटर पूरे अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब बारी है कूलेंट, कूलेंट बॉक्स में डालने की। तो ये रहा आजाद दिया के हाथ में कूलेंट। I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different room. We're getting crazy in a different room. She loves the fact that I just let her know. तो अभी हमारा कूलेंट हो गया है पूरी तरह से चेंज और बारी है चेन क्लीनिंग की। तो चेन क्लीनिंग करवा के अब हम लोग निकलेंगे सीधे घर की तरफ। I love the fact I didn't let her go. She loves
the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. जैसा कि अभी हमारा जो बाइक सर्विसिंग था NS 200 का, वो हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट और बाइक पूरी परफेक्ट हो गई है मेरी पहले की तरह वापस से। तो थैंक्स टू आज़ाद भैया, वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे बाइक को बहुत कम टाइम में पूरा सर्विस कर दिए हैं। तो अब ये जो हमारी ग्लैमर बाइक है, ये बोले हैं आज़ाद भैया आज रख करके कल देंगे। और ये मेरे दोस्त की छोटी है, काफ़ी दिन से पड़ी है, तो ये भी बन जाएगा बहुत जल्दी। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।